अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इस टाइम हम मौजूद हैं फैसल मोटर्स के ड्राइवर शाह नवाज साहब के साथ। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है सर? अल्लाह का करम, ठीक ठाक। तो सर आप बता सकते हैं कि फैसल मोटर्स की वाली बस कौन से रूट पे चलती है? ये हम कराची से बरास्ता बहावलपुर मोटरवे के लिए रवाना होते हैं। बहावलपुर के लिए। सही है, तो आप बता सकते हैं कि कितने अरसे से आप इस ड्राइविंग के पेशे से वाबस्ता है? 20 साल से। और 20 साल से आप इसी बस के साथ हैं, फैसल मोटर्स के साथ ही? फैसल मोटर में मुझे हो गए 7 साल हो गए। 7 साल, उससे पहले किस कंपनी में काम करते थे आप? उससे पहले हम बाहर होते थे। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज में बसेस से चलाते थे आप? जी हाँ, बसेस से। अच्छा, तो उसके बाद फिर पाकिस्तान आ गए और आप पाकिस्तान में सिर्फ अपने एक ही कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उस टाइम? कंपनियां तो बहुत सी हैं, बहरहाल चलते आए जिस तरह चलते आए। सही, तो कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है आपका इसके साथ, फैसल मोटर्स के साथ? फैसल मोटर हमारी निस्बत और आवाम की निस्बत भी बहुत अच्छी है माशाल्लाह से। मतलब हर चीज में, हर लिहाज में, मतलब पुरसकून सफर होता है। मतलब कोई जैसा बद इखलाकी करते हैं आम ट्रांसपोर्ट में, आप ट्रेवल करोगे ना तो हर तरह के होते हैं। हमारी माशाल्लाह अमला भी अच्छा होता है और हमारे माशाल्लाह से ओनर भी बहुत अच्छे हैं। हमारे लिए भी सोचते हैं, आवाम के लिए भी सोचते हैं, पैसेंजरों के लिए भी सोचते हैं। कोई भी इशू होता है ना तो हमारी, जैसे हमारे से कम पूछा जाता है, पैसेंजर को ज्यादा अहमियत दी जाती है हमारी कंपनी में। पैसेंजर्स की अहमियत ज्यादा है। सही, तो आप ये बता सकते हैं कि ड्राइवर्स को क्या क्या फैसिलिटीज दे रही है फैसल मोटर्स, यानी सैलरी क्या होती है पैकेज? असल में हमारा डेली विजिट होता है हमारा ना, पर चक्कर होता है हमारा, ट्रिप होता है हमारा, एक ट्रिप होता है। उसके अलावा हमारे को पर मंथ दिए जाते हैं 5,000। अच्छा, तो ऑन एन एवरेज एक अच्छा ड्राइवर जो कि 15-20 साल से जैसे कि आप काम कर रहे हैं, कितना कमा लेते हैं महीने में? हम कमा तो माशाल्लाह से अच्छा ही लेते हैं, 50,000 से ऊपर कमा लेते हैं ड्राइवर, इससे ऊपर कमा लेते हैं। और इसके अलावा क्या फैसिलिटीज दी जाती हैं? इसके अलावा फैसिलिटीज बहुत कुछ है। अगर ड्राइवर्स को यानी कि अगर रिहायश का क्या हिसाब होता है? हमारी बहुत अच्छी है, पुरसकून है। खासतौर पर हमारी रिहायश, ये जो कंपनियां चली है ना, हमारी जो फैसल मोवर कंपनी है, इसके अंदर है ना ड्राइवर के लिए खासतौर पे ज्यादा सोचा जाता है, क्योंकि ड्राइवर को रेस्ट होगा तो गाड़ियां हमारी सही चलती हैं। माशाल्लाह से रूम अच्छे हैं हमारे लिए, सोने का, खाने का, हर चीज का निजाम बहुत अच्छा है। तो आप कराची से बहावलपुर ट्रेवल करते हैं? जाएंगे, मैं कराची से निकलूंगा, हम सीपेक उतर जाएंगे, रंगियर खान उतर जाते हैं, वहाँ से फिर 8 घंटे की हम ट्रेवल करते हैं। सही, फिर आगे से दूसरा ड्राइवर जाता है। तो आपको जो भी, जिस भी लोकेशन, आप कराची में आपकी रिहायश है? जी कराची। तो कराची में आपको, यानी आप भावलपुर जा रहे हैं, जहाँ पे भी जा रहे हैं उधर भी आपको रिहायश कंपनी की तरफ से दी जाती है? उसमें कोई यानी कि वो पैसे वगैरह नहीं देने पड़ते, रेंट आपको नहीं देना पड़ता? सही, खाना वगैरह भी कंपनी की तरफ से? कंपनी हमारे से कोऑपरेट करती है। अच्छा, यानी कि आप जहाँ पर भी रह रहे हैं तो रिहायश और खाना पीना कंपनी की तरफ से? सही। और कुछ मशवरा देना चाहेंगे आप जो इस फील्ड में आना चाहता है, ड्राइवर की फील्ड में कैसा एक्सपीरियंस है फैसल मोटर्स का और क्या करें, वो किस तरह आगे बढ़ सकते हैं? इस तरह आगे बढ़ने से, असल में ये बस तो कोई मजाक है ही नहीं, ठीक है ना। इस फील्ड में अगर कोई आने के लिए चाहे, ऑनेस्ट होना चाहिए, कम से कम उसको एक्सपीरियंस है ना, अगर ज्यादा नहीं तो उसका 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वैसे 5 से 6 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ड्राइवर होना चाहिए। सही, ड्राइवर तो वैसे बहुत आम होते हैं आजकल, लाइसेंस आप बनवा लो ड्राइविंग मिल जाती है। सही, ड्राइविंग मिल जाती है, पर इसमें 40 जाने होते हैं। बिल्कुल, 40 लोग होते हैं, खानदान होते हैं, लोगों की फैमिलियां होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि सारों का दारोमदार इस ड्राइवर के ऊपर होता है। तो इस तरह वैसे कंपनी भी माशाल्लाह से, हमारे जो ओनर हैं, कोई भी कंपनी है पहले देखभाल की देती है, बाकायदा ड्राइवर की ट्रेनिंग होती है, ड्राइवर की इन्वेस्टिगेशन होती है कि आप किस कंपनी से आए, किस जगह पहले ड्राइव करते थे, उसका लेटर होता है। सही, इस तरह। और उसके अलावा जो बसेज होती है इंश्योर्ड होती है? जी माशाल्लाह इंश्योरेंस होती है, और ड्राइवर्स की भी इंश्योरेंस होती है, यानी बाकी और चीजों में, यानी बस की इंश्योरेंस होती है? बस की इंश्योरेंस होती है। सही है, बस की इंश्योरेंस होती है। अल्लाह ना करे कोई ऐसा किसी के साथ भी ना हो, ऑनर फिर भी करते हैं। तो अच्छा, मैंने एक और इंटरव्यू लिया था आपके फैसल मोटर्स के ड्राइवर का लाहौर इस्लामाबाद में, ठीक है। उन्होंने एक बात बताई थी, काफी सारे इश्यूज ये आते हैं कि जब न्यू ड्राइवर आता है तो उनको लोग डिमोटिवेट बहुत करता है, जो आसपास के जो काम कर रहे होते हैं ना कंपनी के अंदर ही, कि यार छोड़ के चले जाओ। तो इस बारे में आपकी क्या राय, ऐसा होता है अक्सर? ऐसा होता है कि स्टाफ भी कहता है यार कि यार छोड़ो। जब किस जगह जाता है ना तो उसके लिए वो जगह नहीं होती है। सही, नहीं होती है तो उसको हर कोई उसको दबाना चाहेगा कि हम इसको डराए धमकाए कि ये कंपनी ऐसी है, इसके मालिक ऐसे हैं, इसके अमला ऐसा है,
मतलब उसको दबाते हैं वो, जो अगर सीनियर होगा, सीनियर जो चलता हुआ आएगा, मैंने वही आपसे कहा ना कि इसकी इस फील्ड को जो जानता होगा ना, ड्राइवर को मजाक बात नहीं है, ठीक है ना। तो इतनी बड़ी गाड़ी चला रहा है तो एकदम कोई सीख के नहीं आता, अपनी लाइफ तबाह करके वो इस फील्ड में आता है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल, अपनी लाइफ को मतलब चला के इस फील्ड में आता है, सही, कोई ऐसा इशू नहीं है। आप खुद अच्छे ना तो हमारे लिए सब अच्छे, सही। बहरहाल आपके अंदर इतनी वो होनी चाहिए, यानी विल पावर होनी चाहिए, ताकि आप लोगों को नेगेटिव कमेंट भी वो अवॉइड करें और आप अपने साथ कंपनी के साथ कंटिन्यू रहें। तो माशाल्लाह आपको 7 साल हो गए, ठीक है, तो आप सेटिस्फाइड है? सेटिस्फाइड है। हमारे ओनर भी बहुत हमारी करते हैं, कोई भी मसला होता है हमारे को, कोई भी ऐसी चीज होती है ना, ओनर हमारा सही सही, अल्लाह ताला इनको बहुत दे हमारे ओनरों को, अल्लाह ताला इन्होंने इनकी वजह से कितने ड्राइवर माशाल्लाह से रोजगार पे लगे हुए हैं। बहुत हमारी अच्छी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, और माशाल्लाह एक बात देख के बहुत खुशी हुई कि जो एक अच्छा ड्राइवर है 50-60,000 इतने कमा रहा है, जो कि बहुत अच्छी है। इतना पढ़े लिखे लोग भी, बल्कि वो ऑफिसों में काम करने वाले भी, सैलरी माशाल्लाह से इंजीनियर इतनी ले लेता है, इंजीनियर होता है, बैंक मैनेजर होता है, वो इतनी ले लेता है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इतनी अच्छी माशाल्लाह जान हथेली पे रखे जाते हैं, वो तो बिल्कुल ऐसा ही है। ड्राइवर है, अगर आप ये हमारा मैसेज देना चाहते हैं ना, सफर के दौरान नमाज लाजमी पढ़े, सफर में नमाज है तो सब कुछ है, तो नमाज नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अल्लाह ताला भी हिफाजत करता है। ये हमारी सीट है ना, ये हमारा रुतबा है ना, ड्राइवर एक समझो फरिश्ता होता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही फरिश्ता होता है। सफर में नमाज लाजमी है, बस ये मैसेज मेरा आप दे सकते हैं। तो हर ड्राइवर पढ़ते हैं, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि बेशक आपके अंदर जितनी भी एक्सपर्टीज हो, जितना भी हो, अगर बिल फर्ज कुछ भी अल्लाह ताला ने लिखा हुआ है तो वो बस, अगर तो 2.5 करोड़ की ये गाड़ियां मालक ने, अच्छा, अल्लाह का आसरा एक अल्लाह के आसरे पे और एक हमारे आसरे पे होती है। ओनर तो घर पे होते हैं, उनको पता है कि हमारी गाड़ी रोड पे चल रही है, बिल्कुल ऐसा ही चल रही है। बस अपनी एहतियात करें, जितने भी ड्राइवर भाई हमारे सुन रहे हैं या अगर ये मैसेज जा रहा है, तो अपनी एहतियात बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा इसके बगैर, अगर हम हमारी जो फैमिली है ना, हम अकेले कमाने आ रहे, अगर हम एहतियात करेंगे तो बहुत हमारे लिए फायदा है, ठीक है। और इसके अलावा आप बता सकते हैं, आप 13 साल आपने बाहर काम किया है मेरे ख्याल से, कौन कौन से ममालिक में, कौन कौन से ममालिक में आपने काम किया? मस्कत में भी था, ईरान भी हम चले हैं माशाल्लाह से, दुबई, शारजा, अच्छा, तो यहाँ पर भी आप बसेज चलाते थे? बसेस, और वहाँ पे कौन सी बसेस चलती है, वॉल्वो वगैरह की चलती है? मर्सिडीज है, वो बसें हैं, अच्छा, वॉल्वो और मर्सिडीज इस टाइप की होती हैं, वहाँ पे तो लेफ्ट हैंड ड्राइव होती है, लेफ्ट हैंड ड्राइव। तो आपको 13 साल वहाँ पर, फिर यहाँ पर पाकिस्तान क्यों आए आप? पाकिस्तान तो माशाल्लाह सेटिस्फाइड है, ओनर भी बहुत अच्छे हैं हमारे को, इतना वक्त हो गया, हमारे ओनर भी बहुत अच्छे, कोई भी मसला होता है, कोई भी मतलब ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे बात को है ना दरगुजर कर जाते हैं, सही सही, उनको पता है कि ये चल रहे हैं, इतने अरसे से चल रहे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह की बड़ी बड़ी कंपनियां, फैसल मोड, जिन्होंने इतने अच्छे अच्छे ड्राइवर्स हायर किए, जिनका 7-7 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है, तो ये एक बहुत ज्यादा, जो पैसेंजर सफर कर रहा होता है उसके लिए बहुत सेटिस्फाइड होता है, हमारे से खुश होते हैं, क्योंकि ये मेरे पास फिक्स टाइम है, ये मैं फिक्स चलाता हूँ, अच्छा, ये टाइम मैं फिक्स चलाता हूँ। तो एट द एंड आप कोई और मैसेज देना चाहेंगे जो सफर करना चाहते हैं फैसल मोड को, या ड्राइवर ज्वाइन करना चाहते हैं वो क्या करें, किस तरह ड्राइवर अगर कोई ज्वाइन करना चाहता है तो वो किस तरह स्टार्ट करे, अगर उसका एक्सपीरियंस है तो? एक्सपीरियंस है तो वो अपने माशाल्लाह से अपने फॉर्मेलिटीज, अपने लाइसेंस है, और क्या नाम से, अपना एक्सपीरियंस लेकर आए, जिस कंपनी में वो जॉब करते थे उस कंपनी का लेटर हो, अच्छा, ठीक है ना, उस कंपनी का लेटर हो, ड्राइवर हो, सही, बेवजह चलाने वाला तो वो तो समझो लोगों की जान का खतरा है, सही। उसके बाद क्या यहाँ पर टेस्ट होता है इनके, आप लोगों का जब स्टार्टिंग में माशाल्लाह से उनको ना ट्राई ली जाती है, हमारे जो फोरमैन होते हैं, मतलब हमारे जो मैनेजर होते हैं, वो बकायदा ट्राई लेते हैं, उनसे पूछा जाता है, फिर उनकी ट्राई ली जाती है बकायदा, उनको रोड पे लेके जाते हैं, उनको 5-10 किलोमीटर उनसे ट्राई ली जाती है, टेस्ट ड्राइव होती है, फिर उसको समझा, उसे पूछा जाता है, समझाया जाता है, फिर जब वो ओके होता है तो फिर उसको रवाना कर देते हैं, उसके बाद उसको स्टार्ट कर, ड्राइवर की वेरिफिकेशन होती है, और ये कंपनी हमारी इसके अंदर बकायदा ड्राइवर की वेरिफिकेशन होती है, उसका लाइसेंस होता है, वो हमारे ऑनलाइन सिस्टम है, लाइसेंस है ना, ऑनलाइन सिस्टम है, तो उनको देखा जाता है, हमारे ओनरों के पास अलग से एक लाइसेंस चेक करने वाला बैठा होता है, उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है कि ये लाइसेंस कितने अरसे का बना हुआ है, कितना है, क्योंकि यहाँ पे HTV PSV लाइसेंस मांगा जाता है, अच्छा, HTV PSV, LTV लाइसेंस, हैवी लाइसेंस नहीं चलता है, अच्छा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ना, तो इसमें PSV लाइसेंस चलाया जाता है, ठीक 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 ठीक,
आई हैं। तो ये काफी इन्फॉर्मेशन आपने दी। आपने कहा कि ड्राइवर जो भी हो वो आप इनके डायरेक्टली टर्मिनल पर विजिट करें और स्टाफ से मिले और उसका एक्सपीरियंस होना चाहिए, उसके बाद उसका ट्रायल वगैरह होगा तो उसको हायर कर लिया जाएगा। इनिशियली क्या सैलरी कम होती है? इनिशियली तो कम होती होगी, जैसी बात बेसिक है जो सबको मिल रहा है वही उसी को मिलेगा। यानी कि अगर कोई अच्छा ड्राइवर है चार पांच साल करके अगर फैसल मोड़ पे हायर आ जाए वो भी यही पैकेज कमाएगा, चालीस पचास हजार के आसपास अगर पूरा दिन ड्राइव करके। माशाल्लाह पचास से ऊपर भी बन जाता है तो माशाल्लाह। तो एट द एंड कोई मैसेज देना चाहेंगे आप जो आपके ऑडियंस है, आपको लाखों लोग सुन रहे होंगे, हमारे ऑडियंस है, हमारे जो लोग हैं अगर हमारे साथ जो ट्रेवल करते हैं उनके बारे में कुछ पता होगा, बस वो हमारी माशाल्लाह हमारे जो पैसेंजर हैं वो भी अच्छे हैं, उनको पता है, वो ट्रेवल करते हैं हमारे साथ बकायदा डेली, उनको पता है कि फैसल मोवर माशाल्लाह बहुत अच्छी कंपनी है, चल रही है माशाल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। वो तो आइंदा भी हमारे साथ ही सफर करते हैं, लोग जब उतरते हैं बकायदा हमारे को वेलकम और सलाम दुआ करके उतरते हैं, सलाम करते हैं बकायदा। एक जो ड्राइवर है, एक रेगुलर हम टाइम चला रहे हैं तो पैसेंजरों को पता है कि ये ड्राइवर है। अक्सर लोग ऐसे बदमिजाज चढ़ जाते हैं जो मतलब कर जाते हैं, फिर उनको भी हम दरगुजर करते हैं। सर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बातचीत कर रहे हैं। तालीम क्या आपकी? तालीम मेरी माशाल्लाह से मैंने 11 पढ़ी। अच्छा, फर्स्ट ईयर तक पढ़ी है। माशाल्लाह आपकी कम्युनिकेशन स्किल जिस तरह से, बहुत अच्छा लगा कि फैसल मोड़ इतने पढ़े लिखे और इतने अच्छे तरीके से बात करने, इतने अच्छे तरीके से कम्युनिकेट करने वाले ड्राइवर्स को हायर कर रहा है, तो बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। असल में हमारी ये वर्दी का मतलब क्या होता है, मतलब अच्छे लोगों से अच्छे, तो हमारी ये जो अब जो हमारी ये जो ड्राइवर फील्ड जो आई है ना, इस ड्राइवर के अंदर जान डालने वाली ये कंपनी है। अच्छा, नहीं तो ड्राइवर की कोई वैल्यू नहीं। बिल्कुल ऐसा ही था पहले। आज से आप 10 साल पीछे चले जाओ, 15 साल पीछे चले जाओ तो ड्राइवर की कोई इज्जत नहीं थी। जब से ये माशाल्लाह से कंपनी आई है, हमारे को लुक दिया गया, हमारे को गेटअप दिया गया, वर्दी दी गई है, माशाल्लाह से पैसेंजर भी जब उतरता है हमारे को उतरता है बैठता है, भले जितने भी लैंडलॉर्ड पैसेंजर होते हैं हमारे से सर के बात करते हैं तो हमारे को बड़ा फखर होता है। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे को अपने पे फखर होता है, फिर हमारे ओनरों पे हमें फखर होता है कि इस जगह पे लाने वाले हमारे ओनर है, हमें हमारे को रिस्पेक्ट दी जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है, कोई भी फील्ड छोटी बड़ी नहीं होती। मोटरवे का डीएसपी एसपी भी जो है माशाल्लाह से कोई भी हो वो भी हमारे को है ना, जब सर बोलते हैं ना तो हमारा दिल है ना बड़ा खुश होता है। बेसिकली आप कह सकते हैं कि ड्राइवर्स को इन्होंने प्रोफेशनल लुक दे दिया, प्रोफेशनल है कुछ जैसे होता है ना, बहुत अच्छा लुक दिया और बहुत ज्यादा अच्छा। जी जी, ड्राइवर की जो इज्जत है ना वो माशाल्लाह से एक किस्म के हम पायलट के लागे हैं। बिल्कुल पायलट के लागे हैं। अब ये देखे ना, ये कैप हमारी, ये कैप पहन ली हम पूरे माशाल्लाह से फुल पायलट है। बस ये कि हम रोड के पायलट है, एक स्काई पायलट होता है, हवाई पायलट होता है। सही, हमारे सेटों ने, हमारे ओनरों ने हमारे को माशाल्लाह से एक किस्म का पायलट दिया गया है। माशाल्लाह से रोड होस्टिस है, वो भी फुल मतलब प्रोटोकॉल के साथ जाते हैं हम। सही सही, तो आपको एक यानी एयरलाइन टाइप का एक्सपीरियंस आपके। बिल्कुल बिल्कुल, तो माशाल्लाह बहुत ज्यादा अच्छा लगा आपसे बात कर और अल्लाह ताला से दुआ है कि आपको अल्लाह ताला मजीद तरक्की दे और इसी तरह फैसल मोहर को आगे तरक्की देते रहे और जो भी इस तरह आप लोगों का ख्याल रख रहे हैं उनको मजीद अल्लाह ताला नवाजे। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, अल्लाह हाफिज़।